Dear students, welcome to English. Today we will see New Learn Well English, chapter number 12. The chapter name is Our Five Senses. So let's see the question answer. Question number 1. How do we see the world around us? इस क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग है कि हम जो वर्ल्ड है उसको अपने चारों तरफ का जो दुनिया है जो एनवायरनमेंट है कैसे देखते हैं। आंसर, वी सी द वर्ल्ड अराउंड अस विथ आवर आइज। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू वी नो द थिंग्स बाय टच। हम वस्तुओं को किस प्रकार से टच करके या छू करके जानते हैं। आंसर, इन आवर स्किन हैज डिफरेंट नर्व सेल्स विच इज कॉल्ड रिसेप्टर्स। इट हेल्प्स अस टू नो द थिंग्स बाय टच। हमारा जो स्किन है वो उसमें अनेक प्रकार के नर्व सेल्स हैं जिसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं, और यही नर्व्स हमारा हेल्प करता है उसको कोई भी वस्तु को टच करके जानने में। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू वी हियर द साउंड्स अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ के जो साउंड हैं ध्वनि हैं किस प्रकार से या फिर कैसे सुनते हैं। आंसर, वी हियर द साउंड्स अराउंड अस बाय आवर ईयर्स। The outer ear collects the sound waves and sends them to the middle ear. The inner has liquid. This liquid has connected with auditory nerve. It conveys the message to the brain and the brain tells us what this sound is. जो हमारा कान है ये चारों तरफ के जितने भी ध्वनि हैं जितने भी साउंड्स हैं वो कान के द्वारा ही उसे हम सुन पाते हैं, और ये सुनने का जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से काम करता है। द आउटर ईयर कलेक्ट्स द साउंड्स। जो हमारा बाहरी कान है जिसे हम छू सकते हैं देख सकते हैं उसे हम आउटर ईयर कहते हैं। वो बाहर के वेव्स को मिडल ईयर तक सेंड करता है पहुंचाता है। इसके बाद जो हमारा इनर ईयर है जो आंतरिक कान है वहाँ हमारा जो लिक्विड रहता है, लिक्विड में जब वेव्स उत्पन्न होते हैं जब वाइब्रेट होता है तो उस लिक्विड से जो ऑडिटरी नर्व है वो उससे कनेक्टेड है, और वहाँ से जितने भी मैसेज हैं वहाँ से आगे की ओर कन्वे होते हैं बढ़ते हैं और यह ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन हमें बताता है कि जो साउंड है वो किस चीज़ का साउंड है, हम उसे पहचान लेते हैं सुन करके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू वी नो द टेस्ट ऑफ द थिंग्स। हम किसी भी वस्तु का जो स्वाद है उसको कैसे जान पाते हैं कैसे पहचान पाते हैं। आंसर, वी नो द टेस्ट ऑफ द थिंग्स विथ टंग। हम किसी भी वस्तु का स्वाद है उसे अपने जीभ के द्वारा अपने टंग से ही उसका स्वाद ले पाते हैं। अगर हमारा टंग ना हो तो हम किसी भी वस्तु का स्वाद उसका जो टेस्ट है नहीं ले पाएंगे नहीं पहचान पाएंगे। वी हैव बैचेस ऑफ टेस्ट बर्ड्स ऑन द बैक टिप एंड साइड ऑफ आवर टंग। और ये जो टेस्ट जो हम लेते हैं उसका किस प्रकार से प्रक्रिया है, तो हमारा जो जीभ है उसमें अलग अलग बैचेस हैं अर्थात भाग हैं जीभ के जो हमें अलग अलग स्वाद का एहसास कराते हैं अनुभव कराते हैं। नर्व्स रनिंग फ्रॉम द वर्ड्स टू ब्रेन टेल अस द टेस्ट ऑफ फूड। तो हमारा जो जीभ में उसमें वर्ड्स है पीछे की ओर, और उसी वर्ड्स का अलग अलग भाग से हमें अलग अलग प्रकार का टेस्ट मिलता है, जैसे कि खट्टा मीठा कड़वा, ये सभी टेस्ट हमें जो बर्ड्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं जीप के, उसी से हमें मिलता है। और उस बर्ड्स से जो नर्व्स है वो ब्रेन में जाती है और वही हमें बताता है कि उस वस्तु का जो स्वाद है कैसा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नर्व्स इन द ह्यूमन बॉडी। जो नर्व्स है अर्थात नस है वो मनुष्य शरीर में किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से फंक्शन करता है। द फंक्शन ऑफ नर्व्स इन द ह्यूमन बॉडी इज़ टू कन्वे द मैसेज और कैरी द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। हमारा जो ह्यूमन बॉडी का नर्व्स है वो बाहर से जितने भी प्रकार के प्रतिक्रिया होती हैं उसको वो नर्व्स के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और हमें पता चल जाता है कि कौन सा एक्टिविटी हो रहा है या फिर क्या हमारे शरीर के साथ क्या हलचल हो रही है या फिर कौन से क्रियाकलाप हो रही है। इस प्रकार से जो नर्व्स हैं हमारे शरीर में पूरे चारों तरफ बिछे हुए हैं और कहीं से भी हमारे शरीर से कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ टच होती है तो उसका मैसेज तुरंत हमारे ब्रेन को पता चल जाता है और हमें मालूम हो जाता है कि आगे कौन सा फंक्शन होना है। सो ऑन दिस वे योर चैप्टर क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीटेड। I hope you all like these videos. So thank you and have a great day.